हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। आगे के जो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चंस करने हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये चीज़ें कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो आज क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, इनका जो डिफरेंसेस है, ये टाइप्स हैं, इन्हें हम आज समझते हैं। तो टॉपिक है आज का मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पांच तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जितने भी टोटल हम अकाउंट्स ओपन करेंगे, आगे हम जब एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो टोटल जितने भी अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, बन सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, उन सभी को हम इन पांच कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन देम। पहली कैटेगरी जो है, दैट इज एसेट्स वाले सारे अकाउंट्स। एसेट्स वाले अकाउंट्स को भी हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड करके समझते हैं, जो कि आगे बहुत काम आएगा। सबसे पहला कैटेगरी है उसके अंदर करंट टाइप की एसेट, राइट। नाउ व्हाट आर द करंट एसेट्स? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन जो आप कैश में बहुत कम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कौन सी होती हैं करंट एसेट्स? एग्जाम्पल कैश की हम बात करें, इटसेल्फ योर कैश। सेकेंड, बैंक बैलेंस, बैंक में जो मनी है वो आप कभी भी ATM से विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक जाके विड्रॉ कर सकते हैं, तो बैंक इटसेल्फ इज अ करंट एसेट। थर्ड है डेटर्स, वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, वो आप उन्हें कभी भी कॉल करेंगे, कभी भी आप बोलेंगे अर्जेंट पैसे चाहिए, 1 ईयर के अंदर अंदर आपका ये पैसा आपको मिल जाएगा कैश। अगला है बिल्स रिसीवेबल, ये वो डेटर्स जिन पर आप डाउट था सिक्योरिटीज के लिए, आपने जिनसे बिल्स रिसीवेबल लिए थे, आपको जरूरत पड़ रही है पैसे की, आप इन्फॉर्म कीजिए, या कुछ महीनों के अंदर आपको इनका पैसा मिल जाएगा करंट पीरियड के अंदर ही। द लास्ट करंट एसेट इज स्टॉक। स्टॉक वो गुड्स जो आपने बेचने के लिए खरीदी हैं, वो जो आपके पास रखी हैं, वो भी कुछ महीनों हफ्तों में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये सारी वो कैटेगरी है एसेट्स की जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती, जिन्हें हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं। कौन सी एसेट्स हैं? फर्नीचर। हम एक बार फर्नीचर खरीदेंगे, उसे हम 1 साल के अंदर दोबारा बेचने का कोई इंटेंशन नहीं होगा। दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग सालों के लिए होती है। प्लांट मशीनरी, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, सालों के लिए हम दोबारा उन्हें बेचने का सोचेंगे नहीं। कंप्यूटर्स एंड व्हीकल्स, ये सारी वो एसेट्स हैं जो हम 1 साल से ज़्यादा तक के लिए बिजनेस में यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हुई अकाउंट्स की, एसेट्स वाले अकाउंट्स। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं लायबिलिटीज वाले अकाउंट्स। अब लायबिलिटीज वाले अकाउंट्स कौन से हो सकते हैं? अगेन इसे भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, करंट एंड नॉन करंट। पहले बात करते हैं करंट लायबिलिटीज, वो सारी लायबिलिटीज जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना हो, खत्म करना हो। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, क्रेडिटर्स, वो लोग जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी हैं और हमें इन्हें वो पैसा 1 साल के अंदर वापस करना है। बिल्स पेबल, वो लोग जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी थी और सिक्योरिटी पर्पज से हमने उन्हें बिल्स पेबल एक नोट साइन करके दे दिया कि भाई ठीक है, 3 महीने बाद ये पैसा आपको मिल जाएगा, तो वो बिल्स पेबल भी हमारी लायबिलिटी है और ये शॉर्ट टर्म की, बिकॉज 1 ईयर के अंदर है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारा जो बैंक में करंट अकाउंट है उसमें एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपके अकाउंट बैलेंस नहीं भी है और आपने अगर किसी को कोई चेक दे दिया है उतने अमाउंट का जितना आपके बैंक में बैलेंस भी नहीं है, वो चेक बाउंस नहीं होगा, उस चेक का पेमेंट उस पार्टी को मिल जाएगा और आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 0 के बाद भी नेगेटिव शो करेगा। तो वो जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव चला गया, ओवरड्राफ्ट। एंड द लास्ट इज एनी अदर टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। आपने कहीं से भी इस तरह की कोई उधारी या लोन लिया हो जिसे आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, शॉर्ट टर्म लोन्स। दूसरी कैटेगरी लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, ये वो लायबिलिटीज हैं जिन्हें 1 ईयर के बाद आपको रीपे करना हो, या जो लोन आपने लिया है इनकी जो लाइफ है वो 1 ईयर से ज़्यादा है। पहला एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स, 3 ईयर, 5 ईयर, 8, 10, 15 और 20 ईयर्स तक के भी लोन होते हैं, वही वो सारे लोन जो 1 साल से ज़्यादा की लाइफ रखते हैं, दे आर दी लॉन्ग टर्म लोन्स। दूसरा, इक्विटी शेयर्स, कंपनी के जब शेयर इशू होते हैं वो शेयर जो होते हैं एक बार इशू हुए कंपनी उन्हें दोबारा वापस नहीं लेती है, जब तक कंपनी चलती रहेगी वो शेयर होल्डर के पास ही रहेंगे, तो ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई अगर ये हमारे पास है। एंड द लास्ट इज डिबेंचर्स, ये शेयर की तरह वो सर्टिफिकेट्स हैं जो पब्लिक को दिए जाते हैं जब उनसे उधार पैसा लिया जाता है, और इनकी भी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में है।
तीसरे टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात करें हम, जो हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम टाइप वाले अकाउंट। किसी भी तरह से कोई इनकम हो रही हो, रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो, वो सारे अकाउंट हम कैटेगराइज करेंगे रेवेन्यू वाले हेड में। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जो बिजनेस का जनरेट होता है, दैट इज सेल्स। तो सेल्स वाला अकाउंट आपका रेवेन्यू का अकाउंट है। कमीशन आपको रिसीव हुआ कहीं से भी किसी भी चीज़ के लिए, रिसीव हुआ इनकम होगी। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, इनकम होगी। डिस्काउंट कहीं से मिला आपको, आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया। और कहीं से आपको रेंट मिल रहा है, तो ये सभी आपके रेवेन्यू टाइप के अकाउंट्स है, कि ये पैसा आपको मिल रहा है, ये इनकम आपको हो रही है। ये हमारी तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी की बात करते हैं एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस वाले अकाउंट है जिनका हमें पेमेंट करना है, जिनका हम पेमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। कौन से एग्जांपल्स हैं? सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन, सैलरी एंड वेजेस हर महीने हमें देना है, इसके बगैर हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो एक हो गया सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी, हर महीने बिजली का बिल आता है, ये पेमेंट करना है हमको। हर महीने हमें यहाँ स्टेशनरी लगती है, स्टेशनरी का खर्चा है, वो अकाउंट है। परचेजेस, हम जो रॉ मटेरियल गुड्स खरीदते हैं या फिर रीसेल करने के लिए, वो सारे जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, वो हम इस अकाउंट के अंदर लिखते हैं, परचेस अकाउंट के अंदर। और ये भी हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस अकाउंट है। कैवरेज, जो हम ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं जब गुड्स खरीदते हैं या गुड्स बेचते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन अगर बाय रोड है वो कैरिज होता है, फ्रेट होता है। अगर हम रेलवे का यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो हम भाड़ा दे रहे हैं गुड्स को खरीदने या बेचने पर, लाने ले जाने में, वो फ्रेट होता है। हमारे बिजनेस की हमें मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइज करना है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे वो अकाउंट हैं जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे एक्सपेंस कैटेगरी में अकाउंट्स हो गए। लास्ट बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। जो ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जितना भी अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल है। तो फाइनली ये हमारे पांच टाइप के अकाउंट्स है, पांच कैटेगरी हैं। इन्हें आप इस हेड में अगर इन अकाउंट्स को याद रखेंगे, तो आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको वहां पर जब हम डेबिट क्रेडिट लेफ्ट राइट या ये वाले अकाउंट्स वहां जाएंगे और ये वाले अकाउंट्स वहां जाएंगे, तो आपको वहां उस टाइम पर बहुत आसानी होगी। तो ये बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट है। इन्हें इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इन हेड्स के अंदर अगर आप याद रखेंगे, तो आगे के टॉपिक्स में बहुत आसानी होगी हमें डिस्कस करने के लिए। तो आज का टॉपिक इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, किसी और के काम आता हो तो शेयर कीजिए। अगले वीडियो में दोबारा जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।